श्री साईं पेटवल के आज की वीडियो में दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूं गुरदीप सिंह। और आज जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ है एक छोटा सा नया मेहमान, इसका नाम हमने रखा है शुगर। तो ये है जी चिवावा, ठीक है जी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड। आज हम बात करेंगे चिवावा के बारे में। जी दोस्तों, चिवावा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड है, ठीक है जी। तो डॉग्स जितने भी हैं, जितनी भी ब्रीड्स हैं, उसमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट है। लोग कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, टीकप कौन सा है। साइज़ बहुत छोटा है, इसको आप जार में फिट कर सकते हो, टीकप में फिट करना बड़ा मुश्किल होता है। टीकप कहना जो है वो मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि टीकप ना कहिए। स्मॉलेस्ट साइज़ के ये हैं, बिल्कुल पिद्दू से, बिल्कुल छोटे से, छोटी सी जान है ये। 3 मंथ्स के अप्रॉक्स हो गया जिसकी जो एज है। इसके हेड के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसका हेड जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है जी। एप्पल हेड कहते हैं, डियर हेड कहते हैं। डियर हेड जो है जो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, एप्पल हेड जैसे कि ये है, पॉइंटेड हेड जैसे कहते हैं हम। हेड का ये जो स्कल है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है जी, बाकी सभी डॉग ब्रीड्स के मुकाबले में। चिवावा के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है हॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा लोग इसको यानी कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं पसंद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ पेरिस हिल्टन, आप उनके अगर इंस्टा पेज पे देखोगे तो आपको बहुत सारे चिवावाज मिलेंगे। बहुत 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 लवेबल है, नॉट इन ओनली पेरिस हिल्टन, अगर आप पुराने टाइम में भी जाओ तो आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, बहुत सारे टीवी शोज़ मिलेंगे जहाँ पर चिवावा को यूज़ किया गया है, चिवावा को दिखाया गया है। बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है जी, तो इसी वजह से ये पॉपुलर है। चिवावा जो है इनको ठंड जो है ठंड बहुत लगती है, ठीक है जी, कोल्ड सर्दी बहुत फील करते हैं। तो अक्सर जैसे कि अभी भी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये शिवरिंग कर रही है, तो ये करते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमार है या कुछ भी है, लेकिन इनका साइज़ इतना छोटा है, ठंड इनको ज़्यादा लगती है। गर्मी के वेदर में ये खुश रहते हैं। आपके घर में अगर मान लो एक और चिवावा है तो ये बहुत अच्छे खुश रहते हैं आपस में, लेकिन ये किसी और डॉग ब्रीड को पसंद नहीं करते, ठीक है जी, उनसे जेलस फील करते हैं या कह लो कि कुछ भी है। तो खाना खा रहे होते हैं तब भी इनको ये लगता है कि हाँ भी वो मेरा खाना ना खा ले। तो चिवावा के साथ चिवावा रखो, बहुत खुश हैं ये, ठीक है जी। चिवावा के साथ कोई और ब्रीड है तो ये अपना अग्रेशन अक्सर दिखाते रहते हैं। एक्सीलेंट वॉच डॉग, ठीक है जी, वॉच बहुत अच्छा करते हैं, और आपको कोई आ जाए तो अलार्म देते हैं बहुत अच्छा, ले बेटा तो खेलो। इसके ये टॉयज़ हैं जो हमने इसके लिए लाए हैं, तो खेले ये। इसके पहले भी हमने एक चिवावा की फ़ीमेल नागपुर में हमने दी थी स्वाति जी को। तो जो लोग हमारे कम्युनिटी टैब में जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो अक्सर देखते ही हैं कि उन्होंने अक्सर वो डालते हैं अपने से इसकी पोस्टें, तो पिक्चर्स में को डालते हैं, तो मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चिवावा के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इनके जो कान है ये ऐसे इनके फ्लाई होते हैं, खड़े होते हैं, और अपने कान जो है इनके जो बड़े होते हैं, इन्हीं बड़े कानों की वजह से इनको छोटा सा पिन ड्रॉप भी इनको सुन जाता है कि हाँ भी ये कहाँ पे साउंड हुआ है, और ये अलार्म देते हैं, इसीलिए ये वॉच डॉग बहुत अच्छा है। इनका जो हेड बड़ा है उसके साथ साथ ये समझदार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बहुत ही बहुत इंटेलिजेंट है। इनको ट्रेन करना बहुत इजी है, एक्सरसाइज की ज़रूरत इनको ज़्यादा नहीं है, आप घर में ही इनको घर में रह के खुश हैं। इनडोर ब्रीड है ये, ठीक है जी, बाहर ज़्यादा यानी कि इसको आप घुमाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इनडोर ब्रीड है, आप इसको आराम से घर में रखिए,
आपके साथ सोते हैं, आपके साथ ये बेड पे रहते हैं, हर जगह आपके साथ, यानी कि लैप डॉग है, जहाँ पे मर्जी रखिए खुश रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वन मैन डॉग चिवावा, तो ये अपने ओनर को यानी कि फैमिली में एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके तो बस ये कहते हैं कि उसकी गोद में बस इस तरह बस ऐसे ही रहे, तो ये चीज़ है। ये इनकी उम्र जो है ये काफ़ी लंबी है, 8-10 साल तो जैसे हर डॉग की होती है, लेकिन ऐसा बहुत सारे सुनने में आया है या लोगों के साथ हुआ है, लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि हमारे पास 20 साल का चिवावा है, 18 साल का चिवावा है। आम डॉग्स जो हैं वो 12, 13 साल, 14 साल उनकी जो है मैक्सिमम लाइफ होती है, लेकिन इनकी लाइफ जो है मैक्सिमम वो 18-20 साल भी, यानी कि ऐसा सुनने में आया हुआ है कि हाँ भी 18-20 साल का भी चिवावा उनके पास है, लोगों ने ऐसा क्लेम किया हुआ है। तो अच्छे हैं, इनको हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, छोटे होते हैं, तो बस ये है कि इनकी जो बोन्स हैं वो बहुत बारीक होती हैं, तो ये ख्याल रखना है कि ये ना हो कि वो सोफ़े से छलांग लगा दे या बेड से छलांग लगा दे, तो आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो हम अक्सर इंस्टाग्राम या रील्स में देखते हैं कि काटने का जो जिवावा अग्रेसिव दिखाते हैं, तो अग्रेसिव जो है ये थोड़े से हैं बट ये काटते नहीं हैं, तो आप किसी भी वीडियो में देखो उस चिवावा ने किसी को हर्ट नहीं किया है, छोटे से तो हैं, इनका फेस ही कितना है देखिए, मुंह कितना है इसने, बेचारे ने क्या काटना है, तो लेकिन ये है कि गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करते हैं तो लोग इनके साथ कह लो कि उनको ये होता है कि नहीं जी इसको और मस्ती करें इसके साथ, तो वो मस्ती करते हैं और चिवावा कहता है कि हाँ भी कि मैं तेरे को काट लूँगा, डराऊँगा तेरे को। डराते ज़रूर हैं, अगर कोई बड़ा डॉग भी हो इनके साथ तो ये तो उसको भी डोमिनेट करते हैं कि भाई मैं बॉस हूँ तेरा, छोटा चाहे हो कद में मेरे को अंडर एस्टिमेट न कर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके साइज और वेट की। वेट जो है इनका वो मैक्सिमम कह लो कि 8 या 10 पाउंड होता है, जिसको हम 2.5 या 3 किलो अगर कह सकते हैं केजी में अगर लगाएं, तो इससे ज़्यादा जिनके चिवावा नहीं होते, मैक्सिमम वेट जो है इनका ये होता है। लेकिन एवरेज चिवावा जो हैं, जब सब लोगों के पास, सबके पास कह लो कि कोई किसी के पास 2 किलो का है, किसी के पास 2.5 किलो का, किसी के पास 1.5 किलो का भी है, तो बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये। और हाइट जो है इनकी ये मैक्स टू मैक्स है 10 इंच, 10 इंच से ऊपर नहीं जाते, तो मैक्स कह दिया मैंने, ज़्यादातर जो है एवरेज जो है वो 8-9 इंच जो ओरिजिनल चिवावाज हैं। चिवावा में बाकी जैसे और डॉग ब्रीड्स हैं उनमें कॉमन होता है कि हाँ भी ये क्रीम कलर के होते हैं या ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं या इस कलर में होते हैं या इस जो भी कलर है उसमें, ये होता है कि ये 3-4 कलर्स में आते हैं, लेकिन चिवावा जो है वो इसके बहुत सारे कलर्स हैं, मार्किंग जो है वो अलग अलग है, कुछ भी मार्किंग इसमें आ सकती है, कोई भी कलर आ सकता है, क्रीम कलर का अगर मदर है, क्रीम कलर का फादर है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सारे क्रीम आए, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड टान मदर फादर हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ब्लैक एंड टान ही आए, ठीक है जी। कोट जो है इनका इनका अलग अलग है, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें भी कि हाँ भी मदर फादर जो हैं वो शॉर्ट कोटेड हैं और बच्चे जो हैं वो मीडियम कोटेड आ गए हैं या लॉन्ग कोटेड आ गए हैं। लॉन्ग कोटेड चिवावास जो हैं हमारे इंडिया में बहुत कम हैं अभी तक, कह लो कि मैं तो इतना कहूँगा कि ज़्यादातर है नहीं। हमारे पास एक फीमेल है जिसने आगे कह लो कि हमारे पास लॉन्ग कोटेड चिवावा कहीं पर आया था, तो किसी ने इम्पोर्ट करवाया था, तो उससे हमने मीटिंग करवाई है, देखो क्या होता है, अगले 8-10 दिन में होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों एक खुशखबरी और भी है, हमारे पास चिवावा का लीटर भी हो रखा है, उसमें 2 फीमेल और 1 मेल हैं जो जिनके कह लो कि अभी बुक नहीं हुए, तो उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ मैं आपको साथ में शेयर करता हूँ, आप साथ वाली स्क्रीन पे वीडियो भी है उसका वो देख सकते हो। अडल्ट जो चिवावा है उसका साइज़ क्या है, तो आप वो इस वीडियो में आपको देख कर अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भी इसका साइज़ कितना है। ये चिवावास अगर किसी को चाहिए हो या कोई और डॉग ब्रीड चाहिए हो, स्मॉल ब्रीड हो चाहे मीडियम ब्रीड हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ताकि रेगुलर अपडेट्स जो हैं उनको, बाकियों से भी अगर वो चाहते हैं कि हाँ जैसे कि बाकी लोग भी
अपनी अपडेट्स देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, जो ऑलरेडी कह लो कि फिल पूरा भरने वाला है, तो नया ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें भी अगर किसी ने ऐड होना है तो मेरे को पर्सनली उसको मैसेज करना होगा, तो आई विल ऐड हिम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है जी, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपको डॉग्स की ब्रीड्स की जो इन्फॉर्मेशन है जितनी हो सके उतनी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ब्रीड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।